चाहते, शिक्षा, रोजगार, उसके अलावा क्या जमीनी मुद्दे हैं? जमीनी मुद्दा तो हर जगह विवादित है, एक ही जमीन को कई बार लिखा गया है, ये हुए। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भट्ट और आप देख रहे हैं अयोध्या टाइम्स। इस वक्त बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हैं। बिहार में इलेक्शन चल रहा है, 3 तारीख को यहाँ वोटिंग है। कहते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी का ये गांव है और अभी मैं वहां विजिट करके आया हूं, देखा बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यहां पर आने के लिए बहुत पूछना पड़ता है अगर बाहर से लोग आते हैं तो बिहार में चुनाव है और मुद्दा भी होगा थोड़ा बहुत, तो यहां पर जमीनी मुद्दे अभी क्या हैं? अभी देखिए राजेंद्र बाबू की नगरी तो है जी, मगर रेल मंत्री जो है सेंट्रल में एक ट्रेन नहीं रोक पाते हैं जी। लालू जी बुरा थे तो जोर शोर से रुके, बिहार में रेल का कारखाना खुलवाए, मगर मोदी जी को जीरादेई के नाम सुनने पर बुरा लगता है जी। और क्या कहें, हम लोग यहाँ लोग टूरिस्ट आते हैं, ये कोई शौचालय नहीं है। हाँ, एक चीज़ तो मैंने देखा कि प्रथम राष्ट्रपति जी के घर पर अगर टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है तो कोई बाहर से आता है तो उसके शौच के लिए उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आएगा। आप इस वक्त हम उनके घर से लगभग जहाँ पर उनका भवन है, महल है, वहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर हैं और ये गाँव है। गाँव में डेवलप विकास तो हुआ है लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जितना होना चाहिए। प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके बारे में कुछ जानते हों तो बताएँ। प्रथम राष्ट्रपति जी को हम 50 में समय हवाई अड्डे पर छोड़ने के लिए गए थे जी। और सबसे पहले राजतिलक जीरादेई में उनका हुआ, 50 की बात कर आंखों देखी हाल कहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी सादगी सदा स्वभाव के आदमी थे, मोट खाते थे, मोट पहनते थे जी। और खादी का इस्तेमाल करते थे, खादी का इस्तेमाल करते थे, स्वदेशी का इस्तेमाल करते थे, मोड खाते थे, मोड पहनते थे। हमारे साथ ये अंकल जी हैं, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आप भी बिहार से ही हैं? हाँ, बिहार से जीरादेई क्षेत्र में ही मेरा घर है। प्रथम राष्ट्रपति जी का पैतृक निवास है यहाँ पर। हाँ। अच्छा लगता होगा, गर्व भी होता है? गर्व है, यहाँ जन्म ले लिए हैं हम भी, तो हमको गर्व है जी। कि हम प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद। जमीनी मुद्दों पे अगर हम आते हैं उतर के, दूर दराज से फेंकी उठना तूफानी जो आंधी चल रही है उससे हम जमीनी मुद्दे पर आ जाते हैं, जीरादेई के जमीनी मुद्दे पर, तो विकास नाम का प्रतिशत कितना है? 10% विकास है, पहले से 10% जी। हम लोग बचपन से देखते आए हैं, कोई भी नेता आते हैं विकास करेंगे जी। बोल के जाते हैं लेकिन विकास हो नहीं पाता। पब्लिक को सुख शांति बहुत कम है, इसी में पब्लिक अपना गुजर बसर कर रही है। नीतीश जी की सरकार है, पीछे भी उन्हीं की सरकार थी, तो कहते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, डिजिटल तरीके से भी विकास करने की कोशिश की गई है, पर्यटन स्थल को बढ़ावा भी दिया गया है, तो क्या लगता है कि अगर इस बार मान लो किसी की सरकार आती है, नीतीश जी की सरकार आ जाती है, JDU की सरकार आ जाती है, तो क्या विकास और तेजी से बढ़ेगा? आपके हिसाब से विकास 10% है और लग भी रहा है क्योंकि सड़कों की हालत बहुत बुरी है। उम्मीद रखा जा रहा है, अब हो ना हो स्पष्ट करना मुश्किल है। इस वक्त माहौल क्या है जीरादेई विधानसभा में अगर चुनाव को लेकर हम बात करें तो? माहौल यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। PPI की तरफ से कौन है? कोई जादव जी हैं उनका नाम, ये आपका कोई कुशवाहा जी हैं, हम उनका नाम स्पष्ट जानते नहीं हैं जी। और ये नीतीश जी के कैंडिडेट का भी नाम स्पष्ट नहीं जानते। संजय सिंह कोई है? शायद कोई संजय सिंह है शायद, उनका चेहरा भी हमने नहीं देखा है। तो अपने मतलब जो जनता जनार्दन है वो उनसे प्रत्याशियों ने चेहरा भी नहीं देखा है, तो वोट किस माहौल पे मांग रहे हैं? अब वोट राजेंद्र नीतीश कुमार के नाम पर है, मोदी जी के नाम पर है। तो आपको ये भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ पर वोट कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही वोट मांगा जा रहा है? हाँ, हाँ, एकदम बिल्कुल। हाँ, सत्य बात है, लालू जी के दो सुपुत्र इस वक्त काफी बेरोजगारी, उत्पीड़न, इसके बाद शिक्षा, इसके ऊपर काफी जोर दे रहे हैं, तो क्या शिक्षा का अभाव है और बेरोजगारी लॉकडाउन के बाद बढ़ी है बिहार में? बेरोजगारी तो लॉकडाउन के पहले भी थी और आज भी है, आने वाला दिन में भी उम्मीद रखा जाता है कि रहेगा जैसा सरकार का पहल है ना। अगर मान लो महागठबंधन की सरकार आ जाती है, लालू जी के बेटे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन की बयार चलेगी, बदलाव की? क्योंकि पिछले कई सालों से 15 साल से लगभग नीतीश जी की सरकार है जो कि मोदी जी भी और BJP भी समर्थन में है।
तो क्या लगता है? देखा जाएगा, जैसा समय आएगा उसका मुकाबला किया जाएगा। कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल कौन होगा, ऐसे कहा जा सकता है कि कौन सरकार हमको अच्छा देगी या कौन बुरा देगी। जो प्रधानमंत्री जी आके बिहार में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार की जनता उनकी रैलियों से पिघल जाएगी या इस वक्त सख्त बनी रहेगी? और जीरा देई की अगर सिवान की बात करें तो सिवान में इस वक्त जितनी भी सीटें हैं, अगर एक भाषा में एक शब्द में कहें तो किसका पलड़ा भारी है? नहीं, वो कहना मुश्किल है, लड़ाई त्रिकोणीय है यहाँ पर। कहना मुश्किल जी, कौन जीतेगा कौन कोई नहीं बता सकता। त्रिकोणीय विधानसभा का यहाँ पर चुनाव चल रहा है, ठीक है, समझ लीजिए कि अभी भी कोई भी स्पष्ट तरीके से ये नहीं बोल सकता कि जीत किसकी होगी। यानी 3 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और जीरा देई विधानसभा, जो कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये हमारे साथ पंडित जी थे, उनके साथ यहाँ पर एक और लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं जीरा देई के, और ये हमसे बात कर रहे थे, चुनावी माहौल बता रहे थे। चलते चलते एक और सवाल ले लेते हैं, आपकी ज़मीनी मुद्दे क्या हैं? अगर बिहार की बात करें, आपका शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे ज़मीनी मुद्दे क्या हैं? देखिए, शिक्षा चाहिए तभी देश आगे बढ़ेगा हमारा, और सुरक्षा भी चाहिए, साथ साथ सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा। बिजली का अभाव था लेकिन नीतीश जी का सरकार में बिजली मिला है। कहते हैं, अगर मैंने बहुत सारी डिबेट देखा है तो उसमें कहा गया है कि बिजली, पानी और इसके बाद सड़क की व्यवस्था उत्तम हुई है। हाँ, जरूर, सड़क माने 50% अच्छा हुआ जी, अभी बाकी है जी। मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है लेकिन और परिवर्तन की बयार चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, होना भी चाहिए। चलिए, और बच्चा लोग स्कूल कहाँ जाते हैं आपके? यही कॉलेज है और हाई स्कूल है, जीरदी हाई स्कूल है, भरतुईगढ़ हाई स्कूल है, ठेपहा हाई स्कूल है, सटे बगल में इंटर कॉलेज भी है। सरकारी स्कूल जो है, जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें शिक्षा की व्यवस्था क्या? राजेंद्र बाबू के नाम पर एक कॉलेज आज ले बिहार सरकार मंजूरी नहीं दी, किसी तरह से चलता है ठेल मेटेल का, और हम किसी की शिकायत तो नहीं करेंगे, समय जैसा आएगा। अभी वोटर कोई तय नहीं है कि किसको वोट दिया जाए। आइए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये जीरा देई विधानसभा है यहाँ पर, और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो जेडीयू, जहाँ जो गठबंधन और महागठबंधन की तरफ से है, क्या माहौल है यहाँ पर, बताइए जरा। यहाँ पर माहौल जो है बहुत खराब जी, और क्या लगता है, विकास हुआ है? क्योंकि ये प्रथम राष्ट्रपति जी का गांव भी है। विकास तो हुआ है। हाँ, विकास तो हुआ है। किस चीज़ पे विकास? अच्छा, आपके जमीनी मुद्दे क्या हैं जो आप मतलब बात लोगों से करना चाहते हैं? शिक्षा, रोजगार, उसके अलावा क्या जमीनी मुद्दे हैं? जमीनी मुद्दा तो हर जगह विवादित है, एक ही जमीन को कई बार लिखा गया है, ये हुए, ये सब जमीनी मुद्दा है। चलिए, इस वक्त मैं था प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक निवास जीरा देई विधानसभा के जीरा देई गांव में, और यहां से ये खास कवरेज देख रहे थे बिहार इलेक्शन की। हमारे साथ मैं हूँ रवि भट्ट, कैमरे के पीछे जो इंसान है उनका नाम है दिलीप चौरसिया जी, और इस वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगला वीडियो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में।